गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट नाइट के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी फर्स्ट नाइट मैरिज टिप्स की, जिनकी हो रही है अरेंज मैरिज, उनके लिए आज की ये टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में फर्स्ट नाइट अरेंज मैरिज टिप्स के बारे में बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42 एंड फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आपको जानी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं फर्स्ट मैरिज टिप्स के लिए, फर्स्ट नाइट मैरिज टिप्स के लिए। सबसे पहले गर्ल्स यहाँ ये बता देती हूँ, जब भी हमारी शादी की बात चलती है उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होने के बाद आता है सिलसिला, ऐसे शुरू होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं अंदर ही अंदर कि हमारी फ़र्स्ट नाइट पे क्या होगा, क्या ऐसा होगा। टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें भी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जिससे नेगेटिविटी आती है, तो हमें नहीं समझ आता है। बट एक्चुअल जो सिनेरियो होता है अरेंज मैरिज का, वो होता है ऑकवर्डनेस और शाइनेस से भरा हुआ। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। उस केस में क्या होता है, हम दोनों को, कपल्स को आपस में बहुत ज़्यादा शाइनेस लग रही होती है। इनफैक्ट बातचीत करने में भी शर्म आती है, समझ नहीं आता कैसे बात करें। तो आगे की बात तो बहुत दूर की बात है जब बात करने में ही इतनी दिक्कत हो रही है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्या चीज़ें लड़कियों को, ब्राइड्स को ध्यान में रखनी है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। टिप नंबर वन गर्ल्स आपके लिए ये है, देखिए चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, खास करके अरेंज मैरिज के केस में ये चीज़ होती है कि आप अपने हस्बैंड के बोलने का इंतज़ार कीजिए। फर्स्ट नाइट वाले दिन जब फर्स्ट नाइट होगी आपकी, तो उस टाइम पे आपको घबराहट, हेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपके मन में और सवाल चल रहे होंगे, लग रहा होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बात करूँगी, शर्म सी आ रही होगी, कुछ भी मतलब मूवमेंट करने में शर्म आ रही होगी। आप बेड से उठ के मतलब कहीं भी जाएंगे ना तो भी आपको इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उठूँ कि नहीं उठूँ, यही सब मन में चल रहा होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट नाइट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके हस्बैंड आपके रूम में आएंगे और हस्बैंड आने के बाद उनके बोलने का इंतज़ार कीजिए। जब तक वो खुद से नहीं इनिशिएट करें आप कुछ मत बोलिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है गर्ल्स की हमेशा गर्ल्स ही पहल करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपके हस्बैंड बोलेंगे। थोड़ा टाइम उन्हें भी लग सकता है क्योंकि अरेंज मैरिज है, एक दूसरे को हम कम जानते हैं। जो सिचुएशन आपकी है वही सिचुएशन आपके हस्बैंड की होगी, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आपके हस्बैंड इनिशिएट करेंगे और उस हिसाब से आप फिर बात कीजिए। पॉइंट नंबर टू, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सवाल आता है, हमेशा ये चीज़ सोचती हैं लड़कियाँ कि क्या फर्स्ट नाइट को ही कपल्स का क्लोज आना ज़रूरी है। और लड़कियों के मन में ये चीज़ खास तौर पे पैदा होती है कि अरेंज मैरिज हो रही है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, कैसे एक दूसरे के क्लोज आ जाए, एक अजनबी इंसान से हमारी शादी हो जाती है और अजनबी इंसान से हम इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशन एकदम से कैसे कर लें। तो इस चीज़ की आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, आप एक दूसरे को समझिए। ये चीज़ आप अपने हस्बैंड से पहले ही बता दीजिए। आप इतना ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट नाइट पे ही क्लोज आ जाए, एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करिए, समझने की कोशिश कीजिए, लाइक्स डिसलाइक्स जानिए, ये सारी चीज़ें करिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नाइट पे ही आप एक दूसरे से क्लोज आएँ। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी। टिप्स नंबर थ्री मैं आपको देना चाहूँगी गर्ल्स, फिल्मों में, टीवी में आपने देखा होगा, एक्ट्रेसेस हुआ या कोई भी आप वेब सीरीज़ देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं ना, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी देखेंगी तो आप देखेंगे कि जब भी फर्स्ट नाइट होती है तो हीरोइंस या फिर कह लीजिए सेलेब्रिटी या कोई भी जो भी आप एक्ट्रेस देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी ड्रेस पहनी होती है, बेबी डॉल ड्रेस या नाइटी या गाउन या कुछ भी नाइट ड्रेस हो सकती है एक्स वाई जेड। आप सोचते कि आप भी ऐसा ही पहनेंगे और आपको भी मतलब अच्छा लगेगा, आपकी फर्स्ट नाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस चीज़ से। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, देखिए लव मैरिज में आप लोग एक दूसरे को जानते हैं बट अरेंज मैरिज में आप लोग जानते नहीं हैं, आपके अंदर शर्म बहुत ज़्यादा होती है, शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में आपने ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कम्फर्टेबल नहीं है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप भी ऑकवर्ड फील करेंगे और आपके हस्बैंड भी ऑकवर्ड फील करेंगे। आपको करना ये है, जो भी आप पहनते हैं
रेगुलर चीज़ें वही लीजिए। जब तक आप अपने हस्बैंड के साथ एकदम क्लोज नहीं हो जा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जा रही है, तब तक आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं या कोई भी एक्स वाई जेड क्लोथ्स पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नाइटी, गाउन्स या बेबी डॉल ड्रेसेस ही पहननी है। आप इस तरह के कपड़े अपने हनीमून भी पहन सकते हैं, बट स्टार्टिंग डेज में आप नॉर्मल क्लोथ्स पहनिए ताकि आपकी जान पहचान और बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत ज़्यादा लड़कियों के मन में ये चीज़ पैदा होता है, एक सवाल, कि क्या फर्स्ट नाइट पे ही इंटीमेट होना ज़रूरी है? अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? ये सारी चीज़ें आम बात है और एक लड़की मन ही मन में सोचती है, फिर चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव। अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, लव मैरिज में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले गर्ल्स में ये बता दूँ, एक राय दे रही हूँ, एज अ बहन की तरह आपको एक राय दे रही हूँ, दीदी की तरह गाइड कर रही हूँ या फिर आपकी ब्राइडल गाइड की तरह ही आपको गाइड कर रही हूँ, कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट पर आप लोग इंटीमेट हो रहे हैं। एक और चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी, ये आपकी और आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कॉन्वर्जेशन की, आप लोगों ने, आपने अपनी सिचुएशन बताई। देखिए, कोई भी जो लड़का होता है, कोई भी मेल होता है, कोई भी हस्बैंड जो होता है वो हमेशा अपनी फीमेल की बात समझता है कि क्या वो रेडी है। जब तक आपकी मतलब फीमेल रेडी नहीं होती है, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा। एटलीस्ट जो अच्छा समझदार इंसान होगा वो तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाएगा, और इस चीज़ में प्रेशर बनाना भी नहीं चाहिए। तो अगर वो प्रेशर नहीं बना रहा है, आप अपनी सिचुएशन बताइए कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए है, आपको समझना है, या जो भी चीज़ें हैं आप खुल के बात कीजिए इस बारे में कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो फिर वो भी समझेंगे आपकी सिचुएशन। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपका ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट नाइट पर ही ये सब प्लान करें। यहाँ पर एक और राय देना चाहूँगी, गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, देखिए एक होता है कि हम क्लोज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, क्लोज़ आना मतलब हम हग कर रहे हैं, हम किस कर रहे हैं, ये चीज़ें। एक होता है कि हमने इंटीमेसी की, ज़्यादा क्लोज़ आ गए, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ। आप कंफर्टेबल नहीं हैं इंटीमेसी की तो आपने बिल्कुल मना कर दिया, ओके है। लेकिन आपकी फ़र्स्ट नाइट है, आप बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आपने मतलब हाथ पकड़ने से भी मना कर दिया, हग करने से भी मना कर दिया, तो गर्ल्स ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने इंटीमेट नहीं करना है तो आप ओके, मना कर दिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही बिल्कुल उनको हाथ पकड़ने से भी मना कर देंगे या बिल्कुल बोल देंगे कि हग भी नहीं करना है या आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आपने पाबंदियाँ लगा दी हैं, तो ये चीज़ भी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, इंसान तो इंसान है, और फिर जब आपकी अरेंज मैरिज होती है ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मन में नेगेटिविटी आती है आपकी इस बात की, मतलब बाबा आपने बोल दिया कि नहीं आप मेरा हाथ भी मत पकड़िए, तो इस केस में आपके हस्बैंड जो भी हैं उनके मन में नेगेटिविटी आएगी, उनको लगेगा कि आपने शादी किसी दबाव में की है या आप किसी और को पसंद करते हैं या एक्स वाई जेड कोई भी बात हो सकती है, मन में ना नेगेटिविटी हाल चली जाती है। तो ये चीज़ भी मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप क्लोज़ आएँ उतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाना है अपना लव, अपना अफेक्शन, ये चीज़ें दिखानी है, तभी आपकी वो फर्स्ट नाइट मतलब अच्छी बनेगी। अच्छी बनाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ख़ास बात जो कि बहुत ज़्यादा होती है शादियों में, जिनके साथ मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप क्या कीजिए, आप पहले से ही अपने हस्बैंड को ये सारी बात बता दीजिए। अपने हैंडबैग में पेन किलर्स वगैरह रखिए, सैनिटरी पैड्स वगैरह अपने पास अलग से रखिए, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इस बात की जानकारी आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने मदर इन लॉ को या सिस्टर इन लॉ को दे सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी घर में रिचुअल्स होते हैं उसमें भी थोड़ा सा आपको ये होता है ना कि शादी में पूजा पाठ में इस तरह का नहीं होगा, और आपके हस्बैंड को भी आप बता देंगे तो उस केस में उनको भी पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पहले से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्ल्स एक और राय देना चाहूँगी, उससे पहले ये कहूँगी कि कोई भी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा गर्ल्स, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ दिल से शेयर करती हूँ, सोचती हूँ, फील करती हूँ, उसके बाद ही आप तक कोई बात पहुँचाती हूँ। इसीलिए अगर कोई भी कमी रह जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट मेरी मेहनत को देखते हुए छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और राय देना चाहूँगी गर्ल्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, कि आपकी फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हमेशा यादगार बनाने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आप इधर उधर की बातें ना करें। जैसे कि
आप अब कोई अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं या आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप फर्स्ट नाइट है आपकी, स्पेशल नाइट है, तो उस केस में आप आपस में बात कीजिए, एज अ कपल बात कीजिए कि आपके लिए, मतलब आप अपने हस्बैंड के बारे में बात कीजिए या अपने बारे में बात कीजिए या दोनों के बारे में बात कीजिए। आप ऐसे बातचीत कर सकते हैं कि आपको आपके हस्बैंड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद आई, फ़र्स्ट टाइम आपने उन्हें देखा था तो क्या अच्छा लगा, शादी पे वो कैसे लग रहे थे, या वो भी इसी तरह की कॉन्वर्जेशन करेंगे। इससे आप लोग एक दूसरे के साथ ना एक बॉन्ड बनाएंगे, ट्रस्ट का एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और इससे आप एक दूसरे के क्लोज भी आएंगे। तो ऐसी ही कॉन्वर्जेशन कीजिए जिससे आप एक दूसरे को समझ पाएँ और एक दूसरे के क्लोज भी आ पाएँ। गर्ल्स 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 एक और बात कहना चाहूँगी, फर्स्ट नाइट यानी रात शुरू होने से पहले आप अपना मेकअप वगैरह तो कर ही लेते हैं, बट आप खास ख्याल रखिएगा आपके हस्बैंड जब भी रूम में आए उससे पहले आप एक बार वॉशरूम में जाके माउथ वॉश कर लीजिएगा एंड परफ्यूम स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी रात भर बातें करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मुँह से बैड स्मेल आ रही है आपके, या फिर आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं आ रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और गर्मियाँ आने वाली हैं तो गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो इस चीज़ का आप रात को शावर भी ले सकते हैं ताकि फ्रेश फील लगेगा आपको। माउथ वॉश कीजिए, माउथ फ्रेशनर यूज़ कीजिए, ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। एक और बात कहूँ, गर्ल्स शादी में जब दुल्हन की मेहंदी लगती है तो दुल्हन की मेहंदी मेरे हिसाब से तो यहाँ से शुरू होती है, फुल हैंड की यहाँ से होती है, बहुत से लोग यहाँ से लगवाते हैं, पर्सनल चॉइस है, मैंने तो यहाँ से लगवाई थी इतने ऊपर से, तो इतने ऊपर से एकदम घनी मेहंदी लगती है, हैवी ब्राइडल मेहंदी। तो कहीं भी आप स्टाइल में उनका, आपके होने वाले हस्बैंड यानी हस्बैंड का स्टार्टिंग का लेटर लिखवा सकते हैं, या फिर आप उनका पूरा नाम लिखवा सकते हैं, या दोनों का नाम लिखवा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ लिखवा सकते हैं। और आप फर्स्ट नाइट पर अपने हस्बैंड से वो मेहंदी में उनका नाम, उनका लेटर, ये सब ढूंढवा सकते हैं। इससे आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, क्लोज आएंगे, और ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, एक गेम चैलेंज की तरह होता है, मैंने भी किया था, बड़ा मज़ा आया था। गर्ल्स फर्स्ट नाइट को अच्छा बनाने के लिए, आपका इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए, आपकी इमेज अच्छी बनाने के लिए एक और राय कहूँगी कि देखिए, हमेशा हम लड़कियों का हक होता है कि हम हमेशा अपने पति से मांगते हैं, मतलब ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि शादी के बाद तो हमें बस मांगना है, गर्ल्स का होता ही है। लेकिन फर्स्ट नाइट वाले दिन खास ख्याल रखिएगा, फर्स्ट नाइट पे या फर्स्ट नाइट से पहले कभी भी आप खुद से डिमांड मत कीजिए अपने हस्बैंड, वो आपके हस्बैंड होने वाले हैं, फर्स्ट नाइट पे जस्ट हुए ही हैं, एकदम से आप करेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा आप अपनी इमेज बनाने के लिए उनसे खुद से डिमांड ना करें कोई भी गिफ्ट की, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट नाइट पे कोई खास गिफ्ट मिलने वाला होता है, हो सकता है आपके हस्बैंड सामने से आपसे पूछ लें फर्स्ट नाइट पे कि आपको क्या चाहिए फर्स्ट नाइट गिफ्ट में, तो आप ऐसे ही नहीं है कि आप बोल दें कि नहीं ये चाहिए, इससे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब होगा। आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, आप बस इस तरह से बोल सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो दे दीजिए, या जो भी आपकी चॉइस है उस तरह से, लेकिन खुद से डिमांड ना कीजिए स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट ना ही कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दे दूँगी, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गर्ल्स।